फिर पीछे से कोई आता है और बोलता है कि मैजेस्टी एक बैड न्यूज है। और अंदर आता है और बोलता है कि जो पहले से ना वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर एम्प्रेस बोलते है क्या तुमने क्या कहा मुझे बताओ तो। वो बोलता है कि जो सोनन प्लेस है ना वो हॉन्टेड है यानी कि वो भूतिया है। फिर पीछे से एमसी बोलता है कि मुझे भी वहाँ पे ले चलो। फिर एम्प्रेस पीछे देखती है और बोलती है कि तुम्हें वो कपड़े कहाँ से मिले। और वैसे भी जो सोनन प्लेस की जो एम्प्रेस है और उसका दहेज का जो बेडरूम है उसका तुम्हारे साथ क्या लेने देना है। एमसी बोलता है क्या वहाँ पे कुछ मजेदार नहीं होने वाला है। और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मुझे वहाँ पे लेके चलो। एम्प्रेस बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं लेके जाऊंगी। फिर एमसी बोलता है ऐसा लगता है कि तुम मास्टर और सरोन के कॉन्ट्रैक्ट में गलत में हुई है। और उसका स्पेल से बांध लगता है। फिर एम्प्रेस चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मैं लो भी मैं कभी हार नहीं मानूंगी। फिर जो सजा है वो खत्म हो जाती है। फिर पीछे से जो एमसी है वो बोलता है कि मेरी कल्टिवेशन कम है और जो मेरी ताकत है वो भी कम है नहीं तो ये जो सजा है वो एक घंटे तक और चलती तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता ना लेकिन शिट यार मेरी कल्टिवेशन कम है। फिर शिनशी होता है जो एम्प्रेस है वो उस भूतिया घर पे आ जाती है। सभी लोग नीचे झुकते हैं और बोलते हैं कि एम्प्रेस की जय हो। फिर जो एम्प्रेस है वो बोलती है कि मैंने सुना है ये जो शवन पहले से वो हॉन्टेड हो चुका है भूतों की वजह से और लोग मर रहे हैं और यहाँ पे चल के रहा है। फिर पर्दे के पीछे से कोई बोलता है कि मास्टर जिंगंग यहाँ पे है तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा। और जो एम्प्रेस है वो अपने स्टेट के काम में बिजी है तो तुम्हें अपने अम्मी जान की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मैं ठीक हूँ। लेकिन जो एम्प्रेस है वो बोलती है कि तुम खुद को मेरी अम्मी जान मत बुला और उस पर अटक कर देती है और बोलती है कि तुम कमी नहीं बंदी तुम छीना रहो तुम इसके लायक नहीं हो कि तुम खुद को मेरी अम्मी जान बुला। और एम्प्रेस के अटैक से जो पर्दा है वो कट जाता है और पर्दे के पीछे से बहुत ही ज्यादा सुंदर औरत निकलती है। एमसी का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो बोलते कि वाह इतनी सुंदर औरत मैंने तो अपनी जिंदगी भी नहीं देखी। लेकिन जो वो औरत होती है यानी कि एम्प्रेस की जो मदर होती है वो बोलती है कि सिस्टर बायन इसे मार दो यानी कि एमसी को मार दो। फिर जो बायन नाम की जो औरत होती है वो अपने पास से एक निडल निकलती है और सीधा एमसी पर अटैक कर देती है। लेकिन एमसी भी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने क्या कहा कि तुम मुझे मारने वाली हो। लेकिन जो बायन है वो बोलते है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरी थाउजेंड हैंड गुनियन टेक्निक से कब तक बचते हो। और अपने पास से बहुत सारे निडल निकलती है और हमला कर देती है और बोलती है कि जरा मैं भी देखूँ कि तुम इस टाइम कैसे बचते हो। लेकिन जो एमसी वो बिल्कुल उसके पीछे आता है और बोलता है कि बचूंगा लगता है कि तुमने खुद को बहुत ज्यादा समझ लिया है और उस पर अटैक करता है और उसको बेहोश कर देता है। और वहाँ के तीनों बंदे शक हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या जो एम्प्रेस की जो मदर होती है वो बोलती है कि एल्डर बायर कि वो चौथे लेवल की एक मार्शल एंसेस्टर थी ये कैसे पॉसिबल है तुमने उसे कैसे हराया। फिर एमसी बोलता है क्या मार्शल एंसेस्टर वो भी है बूढ़ी औरत। फिर जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है रुको ये जो है ना ये मेरा है तो तुम इस पर विश्वास कर सकती हो। लेकिन जो एम्प्रेस की जो मदर होती है वो बोलती है क्या ये तुम्हारा है तो ये तो हमारी फैमिली की तरह हुआ है ना। फिर वो एमसी के साथ हाथ मिलाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है ब्रदर। एमसी बोलता है क्या तुम मुझे जानते भी नहीं फिर भी तुम मुझे मारना चाहती थी। फिर वो बोलती है कि तुम मुझको उसके साथ कब मिलाने वाले हो। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर एमसी बोलता है कि हर दिन एक्सरसाइज करना अच्छा होता है और अभी हम उससे मिलने जाएंगे तो ये अच्छा होगा। वो बोलते कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन पीछे से जो एम्प्रेस है वो एमसी के गले पर पीछे से तलवार रखती है और बोलती है क्या तुम मरना चाहती हो। फिर एमसी बोलता है शायद हमें दूसरे दिन मिलने के लिए जाना चाहिए। वो बोलते क्या तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर एम्प्रेस बोलते है कि लिंग्स वन तुम ऐसा चेहरा बनाना बंद करो। फिर हमें पता चलता है कि एम्प्रेस का मदर का नाम लिंग्स वन होता है। लिंग बोलती है कि ये लड़की हालांकि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी भी एक कोकुम भाई हूँ जिसने कि इसके बाप के साथ इस पैलेस में शादी की थी। और वो उसको बोलती है कि हम इस वन ट्रैक में इस तरह की चीज़ें करते हैं और तुम्हारे बाप को पूरी जिंदगी में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर एमसी बोलता है क्या मैंने ये नहीं सोचा था कि लोवियो का जो अपाजन है ये इतना बूढ़ा वॉरियर होगा। और एम्प्रेस बोलते है कि मुझे उस कंकाल के बारे में इंफॉर्मेशन दो जिसको कि भूत ने मारा है। फिर शिनशी बोलता है हमें शोनान पैलेस में एक जगह का सीन दिखा देता है जहाँ पे जो एमसी है वो इधर उधर देखने लगता है यानी कि जो पर्दे में पिक्चर उचर देखने लगता है। फिर पीछे से एम्प्रेस बोलती है कि तुम कमीने आदमी तुम ये हवा देखना बंद करो और जिस काम के लिए आए हो ना वो करो। एमसी बोलता है कि हाँ हाँ। फिर एक बंदा बोलता है कि हाँ यही है पेशेंट। एमसी उसे देखता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर जो एम्प्रेस है वो बोलते है क्या तुम्हें क्या पता चला है मुझे तो बताओ। फिर एमसी बोलता है कि उसने इस पोजिशन का इस्तेमाल किया होगा मरने से पहले। फिर जो लिंग है वो बोलते कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत अच्छा है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमारे हुआंगोंग सेट की जो इनयांग आर्ट है उसमें भी मास्टर हो। फिर एमसी लिंग से बोलता है कि मैं तुम्हें सच सच बताऊँ
तो मेरे पास 300 साल का जो यंग और जो यंग है वो जमा है और मुझे अर्जेंटली उसे एडजस्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। लेकिन पीछे से जो एम्प्रेस है उसको मारने के लिए तैयारी होती है, लेकिन एमसी खाते बोलता है कि चलो छोड़ो उसके बारे में, हम उस कंकाल के बारे में बात करते हैं, आखिरकार तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। लेकिन पीछे से जो लिंग है वो बोलते हैं कि शिट यार, इस एम्प्रेस ने तो मेरा मूड खराब कर दिया। जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि बाजन से यहाँ पे ओल्ड प्रिस्ट आ जाता, लेकिन उसने कहा कि उसके पास भूते से लड़ने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और उस पर एक तिलिस्मान लगाता है और उसके अंदर से कुछ धुआं धुआं निकलने लगता है और वो अपना मन पढ़ने लगता है और वो बोलता है कि ओम भगभुगे अपने भागो उदरी, ऐसा कुछ बोलता है। और वो आदमी भूत को अपने मुंह में लेने लगता है और पूरा ले लेता है और बोलता है कि हाँ मैंने पकड़ लिया। लेकिन वो थोड़ा शौक हो जाता है, वो बोलता है क्या। फिर वो एम्प्रेस की मदर को बोलता है कि एम्प्रेस यहाँ पे एक से ज़्यादा भूत है जिसने कि आपके फर्नेस पर अटैक किया है और यहाँ पे बहुत सारे भूतों ने गाँव चुड़ा है, जिससे कुछ एम्प्रेस है वो घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने अपने खुद की आंखों से देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही भूत था। फिर वो आदमी बोलता है कि मेरा भूत को खाने वाला तरीका गलत नहीं हो सकता, यहाँ पे एक से ज़्यादा भूत है। फिर जो एम्प्रेस है वो बोलता है कि भूत का जो सर है वो कंबाइन क्यों नहीं हो सकते। फिर जो एम्प्रेस और उसकी जो मदर है वो बोलते हैं कि ये सेंसेस हो सकती है। फिर एम्प्रेस बोलता है क्या सेंसेस, ये क्या आरपीजी गेम के बारे में बात कर रहे हैं क्या। लेकिन जो प्रिस्ट है यानी कि जो आदमी है और वो बोलता है कि ये शायद चिंग शिंगो हो सकती है। और वो पता लगता है कि वो इविल स्पिरिट वैली में जन्मी थी और वो भूत को मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो अपनी जो मैजिस्ट्री है उसके बिल्कुल उल्टी है, और आज का जो इंसिडेंट है उसके कारण हो सकता है यानी कि उसने किया होगा। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।